नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनलर्निंग पाठशाला और हमारे साथ इस समय हैं एग्ज़ाम की कैंडिडेट जो कि अभी अभी सेंटर से बाहर निकली हैं यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देकर। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है पूरे नॉर्थ इंडिया में यूपीएससी के बाद। जानते हैं कैसा गया उनका एग्ज़ाम, आप बताइए आज का एग्ज़ाम आपका कैसा गया? इट वॉज मॉडरेट लेवल। अच्छा, तो ये आज आपने फर्स्ट टाइम दिया है, पहले भी आपने एग्ज़ाम दिया है? इट वॉज माई फर्स्ट टाइम। पहला फर्स्ट अटैम्प्ट था आपका, तो कैसा लगा आपको एग्ज़ाम देके? अच्छा था एग्ज़ाम। आप मतलब क्या फील कर रही थी, एग्ज़ाम कंफर्टेबल था, लेवल आपको कितना मॉडरेट से भी मतलब ज़्यादा आसान, या आप क्या कहना? इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ठीक, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार कट ऑफ कितनी जानी चाहिए? कट ऑफ ज़्यादा जाएगी लगता है, क्योंकि इजी था थोड़ा। अच्छा, इजी था इसलिए ज़्यादा जाएगी। आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे? 100+। 100+ कितने मतलब अंदाजे से फिर भी? पता नहीं। ठीक, तो आज आपका मतलब अच्छा गया, हम आपको विश करते हैं आप मेंस इस बार लिखें। थैंक यू मैम। हमारे साथ एक और एग्ज़ाम कैंडिडेट हैं, आपका नाम? मेरा नाम फरीदुद्दीन अहमद है। तो आज आपका एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, और क्या कहते हैं, एग्ज़ाम में लगभग एवरेज क्वेश्चन थे, और अगर पढ़ेगा कोई व्यक्ति तो आराम से उसका हो जाएगा, इस तरह के पेपर बनाया गया था। आपने कितने क्वेश्चन इस बार अटैम्प्ट करे? मैंने 108 क्वेश्चन किए हैं। आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है ये? हाँ, उससे पहले भी दिया, लेकिन तैयारी नहीं होती थी, अब की बार थोड़ा तैयारी करके दिया तो उम्मीद लग रही है इस बार। तो जैसे यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए कहा जाता है कि इस एग्ज़ाम में फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो आज आपको कितने क्वेश्चंस जो है फैक्चुअल लगे? नहीं, अगर आदमी थ्योरेटिकल पढ़ेगा तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कोई इतना टफ पेपर नहीं बनाया गया है, पेपर को अच्छी तरह संचालित किया गया है, और आदमी को पैराग्राफ पढ़ेगा तो वो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है समझ में आ जाएंगे। तो एक सेफ अटेम्प्ट जो है आज के एग्ज़ाम्स के लिए, वो आज के एग्ज़ाम के लिए कितना होना चाहिए? देखिए, अगर निगेटिव मार्किंग है तो 110-120 में आदमी सेफ है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको विश करते हैं आप मेंस लिखें इस बार। हमारे साथ एक और एग्ज़ाम कैंडिडेट है, आपका नाम? पंकज। तो आज का एग्ज़ाम आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे? क्वेश्चन थे मेरे 120 के समथिंग, बट पूरी तरीके से तैयारी नहीं थी, बस अटेम्प्ट किए। तो आपको एग्ज़ाम देते वक्त क्या फील आ रहा था, कि लेवल क्या था एग्ज़ाम का आज? काफ़ी अच्छा है, यूपीएससी की तरह ही इन लोगों ने तैयारी कर रखी है। पहले क्या होता था कि ये लोग जो घटना चक्र एग्जाम से वगैरह होते थे उसको ही देते थे, करंट वगैरह देते थे, बट काफ़ी कुछ चेंजेज हुआ है पहले के पिक्चर। तो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो यूपीएससी की तरफ, जैसे आपने बताया यूपीएससी के पैटर्न की तरफ फॉलो कर रहा है यूपीपीसीएस भी, तो आज आप कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में क्या यूपीपीसीएस में यूपीएससी जैसे और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, हो सकता है ऐसा। पहले क्या होता था, केवल वन लीनियर क्वेश्चन टाइप के होते थे और केवल फैक्चुअल क्वेश्चन होते थे, बट प्रेजेंट टाइम पर क्या कर रहे हैं, ये कोटेशन टाइप के क्वेश्चन देते हैं। आज हमने सुना है जो मैच करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट थे इस बार, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा कि डिफ़िकल्ट थे, उस टाइप का कुछ नहीं था, मैचिंग वाले नॉर्मली थे, अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आराम से लगा दिए होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो आज आपका एग्ज़ाम आपका बिल्कुल आपकी तरफ से अच्छा हुआ? नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी तरफ से अच्छा हुआ, वो तो रिजल्ट बताएगा, जो हुआ जो भी जैसा भी है वो रिजल्ट बताएगा। जी, हम आपको विश करते हैं आप इस बार मेंस लिखें, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। याद में आपको इस दिन सब मना कर रहे हैं। हमारे साथ एक और एग्ज़ाम कैंडिडेट हैं, आपका नाम? सौरभ। तो आज का एग्ज़ाम आपका कैसा गया? ठीक था एग्ज़ाम। लास्ट ईयर आपने एग्ज़ाम दिया था? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम दिया। तो ये आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो आपने कितने क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करे? मैंने 110। तो आपको क्या लगता है कि एक सेफ अटैम्प्ट इस बार का कितना होना चाहिए? मैं तो फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने पिछली बार की कट ऑफ के हिसाब से सुना तो बच्चे कह रहे थे कि 120+ सेफ रहता है। जी, तो पिछले साल के कंपैरिजन में 120 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ये रेकमेंड किया जाता है। तो आप क्या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त आपको क्या डिफरेंस लगा यूपीपीसीएस और यूपीएससी के एग्ज़ाम में? डिफरेंस पहले तो ज़्यादा होता होगा, अब थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है डिफरेंस, बाकी कुछ क्वेश्चन काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग वाले भी थे और कुछ ऊपर कर्सरी लेवल भी थे। जी, तो जैसे ये कहा जाता है कि एक या तो ये मिथ है या कुछ भी आप समझ लीजिए, कि जो भी यूपीएससी की तैयारी करता है वो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम तो बड़े ही आसानी से निकाल सकता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने यूपीएससी की भी तैयारी आप कर रहे हैं? नहीं, ये सही इतना नहीं है कुछ हद तक, अब क्योंकि यूपी पीएससी का जो सिलेबस है वो कुछ सालों में यूपीएससी से थोड़ा मैच करने लगा है कुछ लेवल तक, लेकिन बाकी स्टेट का क्या है कि जब तक आप स्टेट स्पेसिफिक पढ़ेंगे नहीं
तब तक आप नहीं निकाल सकते। उन दोनों का पैटर्न अलग हो जाता है, स्टेट और यूपीएससी का। स्टेट लेवल में आपको स्टेट का उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं निकलता एग्ज़ाम। तो आपने जैसे बताया कि स्टेट लेवल का कुछ इसमें आता है एग्ज़ाम में, उसका सिलेबस भी इसमें आता है, इस बार के एग्ज़ाम में आपको कितने लगा कि यूपी के कितने क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में थे? यूपी के थे लगभग 15 क्वेश्चन तो होंगे। मतलब 150 में से 15 क्वेश्चन यूपी के थे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो बिना यूपी की जीएस के भी आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, क्या ऐसा है? हाँ जी। ठीक, हम आपको विश करते हैं कि आप इस बार मेंस ज़रूर लिखें और गुड लक। तो हमारे साथ हैं एक और एग्ज़ाम कैंडिडेट, आपका नाम? सलमान मलिक। आज का एग्ज़ाम आपका कैसा गया? ठीक हुआ, मतलब नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड, मतलब एवरेज कह सकते हैं कि ठीक हुआ है। आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया है ये? हाँ जी, हाँ जी, पहले भी दिया है। तो उसके कंपैरिजन में आप क्या कहना चाहेंगे, लास्ट ईयर कैसा था और इस बार का कैसा था? लास्ट ईयर ईजी था, इस बार ही बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन ज़्यादा हैं। एलिमिनेशन पहले हम कर लेते थे तो वो एलिमिनेशन मेथड का इतना ज़्यादा यूज़ रह नहीं गया, इधर यू नो और यू डोंट नो, तो इस तरह के सवाल ज़्यादा थे। फैक्चुअल क्वेश्चन तो आपको पता ही, हमेशा से पूछता है यूपीपीसीएस। तो इस बार यूपीपीसीएस ने ऑप्शंस में भी कंफ्यूज़ करने की कोशिश की है जैसा आप कह रहे हैं। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि ये यूपीपीसीएस जो है यूपीएससी का एक पैटर्न अपनाता जा रहा है धीरे धीरे? बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है वो यूपीएससी का पूरे फॉर्मेट में वो क्वेश्चन अपने बढ़ाता जा रहा है, उसका लेवल काफ़ी अब एनहांस हो गया है, बढ़ गया है। डिफ़िकल्टी जो है क्वेश्चंस की वो इस बार भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा थी। आप सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट को लेकर कंफर्टेबल थे ड्यूरिंग दी योर अटेम्प्ट इन दी एग्जामिनेशन? कुछ क्वेश्चन थे पॉलिटी के और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के और इकोनॉमिक्स के, तो वो जो क्वेश्चन थे वो ईजी भी थे और मैंने उन्हें अटैम्प्ट भी अच्छे से कर ही लिया। जो बाकी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जैसे बजट के अंदर कितने एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ को जो है वो दिया है, तो उसमें ऑप्शंस थे इस तरह के, तो वो बहुत टू द पॉइंट क्वेश्चन है। और तो आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो फिर आप गलत करके ही आओगे। तो करंट अफेयर जैसा आपने बताया वो थोड़ा फैक्चुअल था, जहाँ पर मेरे ख्याल से जैसा आपने बताया सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी उसके अंदर, बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट। एग्जैक्ट। तो क्या आपको लगता है कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं जो अब प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, जैसा आपने पिछले साल भी अटैम्प्ट दिया, करंट अफेयर के लिए कोई खास तैयारी, कोई प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, कोई सोर्स ऐसा? सर, करंट अफेयर के लिए सर अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा बजाय इधर उधर वीडियोस वगैरह देखने के, क्योंकि सर यूपीएससी को भी ले लो या फिर यूपीपीसीएस, कोई भी एग्ज़ाम जो है वो आजकल वो समझ गया है कोचिंग का पैटर्न। जैसे हम आजकल मंथली फॉलो कर लेते हैं या कोई वीडियोज़ इधर उधर से फॉलो कर लेते हैं, बट वो क्वेश्चन अपना अपने हिसाब से सेट करते हैं। तो अगर हम डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और अपने नोट्स बना रहे हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिलेबस, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा मेरे अकॉर्डिंग सर। तो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, साथ साथ में यूपीएससी की। हम अपने व्यूअर्स का एक ये डाउट क्लियर करना चाहते हैं। दरअसल ऐसी कुछ चर्चा में बात रहती है कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो जो स्टेट पीसीएस है वो तो बहुत ही आसान एक चीज़ रहती है, बहुत आसान एग्ज़ाम रहता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी का पैटर्न और यूपीपीसीएस का पैटर्न अभी भी काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। यूपीपीसीएस जो है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल जाके और कुछ क्वेश्चन जो है वो यूपी स्पेसिफिक भी होते हैं, बट यूपीएससी का पैटर्न काफ़ी अलग है। उसके अंदर जो है वो अगर आपकी थॉरो स्टडी है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ही आप जो है वो क्वालिफाई कर पाओगे। इसके अंदर इतना ज़्यादा थॉरो स्टडी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप कम भी पढ़ के गए हो तो काम हो जाता है। बट यूपीएससी को यूपीपीसीएस से कंपेयर करना, इट्स आई डोंट थिंक कि वो अभी वो लेवल आया है यूपीपीसीएस का। ठीक है, तो आपने जैसे बताया यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर एक खास पकड़ और डेप्थ होनी ज़रूरी है नॉलेज में, और फैक्चुअल क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में आते हैं। तो आज के जो अटैम्प्ट है एक सेफ अटैम्प्ट जैसा आपने लास्ट ईयर भी दिया था, तो इस बार का अटैम्प्ट कैसा होना चाहिए एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए? सर, मिनिमम क्वेश्चन अगर आपके 105 से 108 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हैं तो आप सेफ जोन में हो। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, तो इट इज़ अप टू द कैंडिडेट। तो आप एक फ़ाइनल ये बताइए कि आज का एग्ज़ाम अपनी तरफ से रेट कीजिए, क्या लेवल क्या था एग्ज़ाम का, मॉडरेट, ईजी टू डिफ़िकल्ट? सर, मेरे हिसाब से तो पेपर मॉडरेट था, इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट। और बाकी कुछ क्वेश्चन थे जो आउट ऑफ द बॉक्स थे, जो मुझे नहीं लगता कि और जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको भी पता होंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता होते। कुछ ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स थे,
बाकी क्वेश्चन थे वो ड्यूएबल थे, आप कर सकते थे। मॉडर्न हिस्ट्री का देखा इस बार काफ़ी फैक्चुअल आया, स्टेटमेंट्स दे रखे थे लीडर्स के, आप उस पर आपको क्या लगा, वो ईजी थे या डिफ़िकल्ट थे? सर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री 5 से 7 बार 8 बार बहुत बारी पढ़ी हुई है, तो मुझे सर इतनी परेशानी नहीं हुई अटेम्प्ट करने में। बाकी अगर जो न्यू कमर हैं या जो उस डेप्थ के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, जो खाली ऊपर से पढ़ के जाके आकर पे पढ़ देते, तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा सर ये, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट पूछा हुआ था, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि आपको 3 स्टेटमेंट दे दिए तो आपने एक एलिमिनेट कर लिया और सही ऑप्शन लगा लिया। अगर आपको आता है तो आप लगा दोगे, नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही एक डिटेल्ड रिव्यू दिया हमारे व्यूअर्स के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और उनके डाउट्स कुछ क्लियर करने के लिए। हम आपको विश करते हैं कि आप इस बार मेंस ज़रूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। एक और कैंडिडेट एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आ चुके हैं UPPCS के, हमारे साथ हैं, आपका नाम? हेलो, प्रसून शर्मा इज़ माई नेम। तो आज आपका एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम अच्छा था, 120 questions अटैम्प्ट करे हैं। 120 questions आपने अटैम्प्ट करे, आप इस एग्ज़ाम, आपने क्या लास्ट ईयर दिया था एग्ज़ाम? यस, लास्ट ईयर दिया। तो लास्ट ईयर के अटैम्प्ट और इस बार के अटैम्प्ट में कोई डिफरेंस या लगभग सबको इतने ही करने चाहिए सेफ अटैम्प्ट, आप बताना चाहें? सेफ अटैम्प्ट इसमें कुछ नहीं है, बस एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। 100 से ऊपर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो आपके इट इज़ गुड स्कोर, एक्यूरेसी इज़ द थिंग दैट मैटर्स। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा ऐसा था जिसमें आप कम्फर्टेबल थे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जिसमें सबसे ज़्यादा आप कंफर्टेबल थे। हमने सुना इस बार का ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल था, लोकल विंड्स वगैरह पूछी हुई थी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोकल ज्योग्राफी का क्वेश्चंस ज़्यादातर फैक्चुअली आते हैं। माउंटेन्स बड़े स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है प्रिलिमिनरी के ज्योग्राफी के, माउंटेन्स आती हैं, लोकल विंड्स आती हैं, करंट्स आते हैं, अगर बच्चे की इस पर ग्रिप है तो ज्योग्राफी क्वेश्चन हर कोई कर लेता है। देखिए, आप एक वो इंसान है जो कह रहे हैं पॉलिटी के अलावा ज्योग्राफी उनका अच्छा गया, तो हम अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि वो ज्योग्राफी के फैक्चुअल क्वेश्चंस अच्छे से कर सकें, इसलिए कोई आप उनको एक सोर्स ज़रूर बताएं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी की बेस्ट सोर्स है एटलस, स्टूडेंट एटलस ऑक्सफोर्ड की जो आती है, इसमें सारे स्टेट्स की कैपिटल तो सबको पता ही होती है। लोकल विंड्स आप अच्छी ग्रिप बना कर रखें अगर आप ज्योग्राफी में स्कोर करना चाहते हैं, लोकल विंड्स, ओशन करंट्स, ग्रास लैंड्स एंड वर्ल्ड माउंटेन्स, दैट इज़ द थिंग। अगर ये पांच चीज़ें आप ज्योग्राफी में अच्छी तरह कर लेंगे तो आप 80% ज्योग्राफी क्वेश्चंस राइट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि ज्योग्राफी में फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए टू द पॉइंट होकर पढ़ना है आपको। यस, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं कि इस बार का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या वो जैसे एक ट्रेंड चल रहा है UPSC की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्या आपने भी वो फील करी वो चीज़ आज एग्ज़ाम में? हाँ, एग्ज़ाम्स में UPPCS के क्वेश्चन भी UPSC की तरह बहुत टेम्पटिंग होते हैं, आपको लगता है कि आपको आता है और आप थोड़ी सी भी स्लिप होए और वहाँ पे पूरा गलती का स्कोप रहता है, तो बहुत ही आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, सुपरफिशियल नॉलेज से आजकल काम नहीं चलेगा, बहुत इन डेप्थ स्टडी चाहिए तभी आप क्लियर कर पाएंगे। लास्ट ईयर क्या आपने मेंस लिखा था? नहीं, मैंने HCS का मेंस लिखा था, UPPCS का नहीं हुआ था मेरा। हम आपको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ देते हैं और विश करते हैं कि आप इस बार का मेंस ज़रूर लिखें और एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, धन्यवाद। थैंक यू सर। रुक जा, तो ये था हमारा एग्ज़ाम रिव्यू, UPPCS 2021 का एग्ज़ाम रिव्यू हमने अपने चैनल पर दिया आपको। आई होप ये आपको वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी और आपको आपकी प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्प करेगी। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टा और यूट्यूब पर हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कर सकते हैं। इसी चैनल पर आपको डेली इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस आपको मिलता है और मिलता रहेगा। आने वाले समय में हम हिंदू का भी डेली एनालिसिस लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, कीप लर्निंग, कीप राइजिंग, ऑल द बेस्ट टू एवरी व्यूअर।